तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भिड़े अंकल को बोलना, गोकुलधाम सोसाइटी को ये स्पीकर हमारी तरफ से गिफ्ट है। फ्री, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। तो सेठ जी, कौन सा स्पीकर दूं? कौन सा क्या, सबसे अच्छा वाला दे दो, 15,000 वाला। जी सेठ जी। वाह सेठ जी वाह, मानना पड़ेगा। वैसे तो आप पाई पाई का हिसाब करते हो, लेकिन भगवान की सेवा की बात आई तो 15,000 रुपए का स्पीकर आपने गिफ्ट में दे दिया। वाह, है नट्टू काका। सेठ जी हमें भी ना नहीं कहेंगे। अरे हमारे पात्रन नगर के गणपति मंडल के स्पीकर पुराने हो गए हैं ना, आवाज कितनी फटती है। हाँ सेठ जी, हमारे भादरन नगर के मंडल के लिए भी एक स्पीकर गिफ्ट दे दीजिए ना। और हाँ, स्पीकर पर हम लिखवा देंगे श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से सप्रेम बेट। ठीक, आपके मंडल को भी मेरी तरफ से नया स्पीकर गिफ्ट। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। लेकिन एक शर्त पे। क्या? स्पीकर पे मेरा या गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम नहीं होना चाहिए। वाह वाह सेठ जी, नेकी कर और दरिया में डाल। नहीं, वो तो है ही, लेकिन एक और कारण भी है। क्या कि स्पीकर पे आप लोग ये लिखेंगे ना, तो वो पढ़ के बाकी सब मंडल वालों को भी प्रेरणा मिलेगी। अरे वाह, ये गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो फ्री में नया स्पीकर दे रहे, तो यहाँ स्पीकर फ्री में लेने के लिए लाइन लग जाएगी। हाँ बराबर है, नहीं लिखेंगे। हाँ थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। वाह नट्टू काका वाह, अब हमारे भादरन नगर के सभी त्योहारों का मजा दुगना हो जाएगा, और इस साल गणेशोत्सव में बेस्ट म्यूजिक बजेगा। सिर्फ हमारे भादरन नगर में नहीं, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में भी। हाँ तूले मंडप वाले अभी तक आए क्यों नहीं? आ जाएंगे मेरे भाई। अरे कब आएंगे, कब मंडप बांधेंगे? ये टप्पू सेना ने मंडप वाले को बोल दिया है ना। अरे भाई आपको पता है ना कि टप्पू सेना काम कितना परफेक्ट है। वही तुम्हारे परफेक्ट जो स्पीकर रिपेयर कराने गए ना, अभी तक आए नहीं है। बेड़ा गर्ल लो आ गए। वाह नया स्पीकर, अच्छा बजेगा। एक मिनट, तुम लोग नया स्पीकर लेके आए? हाँ भीड़ अंकल, पुराने स्पीकर को ठीक करने का कोई फायदा नहीं था, इसीलिए हमने नया स्पीकर ले लिया। हाँ बाबा। टप्पू, तेरे में कोई अक्ल है कि नहीं? पुराना स्पीकर लेके आने था, नया स्पीकर ले आएगा? अरे बेशिस्ता है। क्यूपिड अंकल, आप ऐसे ही टप्पू को डांटने वाले थे ना? एग्जैक्ट डिटो। थैंक यू यार। हम लोग की नौटंकी हो गई और टप्पू अपनी बात हुई ना कि हम लोग पुराना स्पीकर रिपेयर करेंगे, तुम नया क्यों उठा के लेके आए? अरे गोकुलधाम सोसाइटी स्पीकर का 1 रुपया नहीं देने वाली है? कितने का है ये? सिर्फ 15,000। 15,000? 15,000? 15,000? अरे इतना बजट है क्या सोसाइटी का टप्पू? अरे दूसरे बहुत सारे खर्चे है, एक एक रुपया बचाना है, महंगाई बढ़ गई है, और तुम 15,000 का स्पीकर लेके आए? भिड़े अंकल काम डाउन, काम डाउन। क्या काम डाउन? समझ में आया, तुम्हारे पापा ने तो उसमें व्यापार देखा है, लेकिन टप्पू तुम्हें तो सोचना चाहिए ना सोसाइटी के बजट के बारे में। भिड़े अंकल पापा तो बस सफाई देने की जरूरत नहीं है, कर लो ना। नया स्पीकर खरीदने से पहले एक बार मुझे फोन तो कर दिया होता, खुद ही डिसीजन ले लिया। गोकुलधाम सोसाइटी स्पीकर के 15,000 क्या, 15 रुपए भी नहीं देंगे तो आप दोगे? आप क्यों दोगे? या तो ये स्पीकर वापस करो, या तो जेठा को बोलो कि पूरे के पूरे पैसे वो देगा। बाबा तुम्हें टेंशन न का गए हो, ये स्पीकर जेठा अंकल ने अपनी तरफ से गोकुलधाम सोसाइटी को गिफ्ट दिया है। आ, आ,
अरे वाह, एक मिनट, जेठालाल ने ये स्पीकर सोसाइटी को गिफ्ट दिया है। हो बाबा। वाह जेठा भाई वाह। अरे क्या वाह जेठा भाई वाह। देखो टप्पू से ना सोसाइटी को किसी से भी कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। क्यों बड़े भाई? अरे तुम समझ नहीं रहे अब्दुल, ये जेठालाल सोसाइटी को 15,000 का स्पीकर गिफ्ट करेगा और बाद में मुझे हमेशा सुनाएगा कि मैंने सोसाइटी को 15,000 का स्पीकर गिफ्ट किया है, 15,000 का स्पीकर गिफ्ट किया है, और मुझे किसी से कुछ नहीं सुनना है। टप्पू सेना ये स्पीकर उठाओ और जेठा को वापस करो। ठीक है भिड़े अंकल, हम स्पीकर वापस कर लेंगे, पर पहले आप पापा से बात कर लीजिए। हाँ तो करता हूँ ना, डरता हूँ क्या? हाँ। अरे भिड़े का फोन, नक्की थैंक यू बोलने के लिए फोन किया होगा। हाँ भिड़े, मेंशन नॉट। आइते? मैंने कहा मेंशन नॉट। वो जेठालाल, मेंशन नॉट तब बोलते जब कोई थैंक यू बोलता है। हाँ तो तूने थैंक यू बोलने के लिए ही फोन किया है ना, इसलिए मैंने एडवांस में बोल दिया मेंशन नॉट। मैंने तुम्हें कोई थैंक यू बोलने के लिए फोन नहीं किया है। तो मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि हमें नया स्पीकर गिफ्ट नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आज तो तुम सोसाइटी को नया स्पीकर गिफ्ट दोगे और बाद में हमेशा मुझे ताने दोगे कि मैंने सोसाइटी को 15,000 का नया स्पीकर गिफ्ट दिया है। अरे भिड़े, तू भी ना एकदम सखाराम की तरह सोच रहा है। सखाराम कहाँ सोचता है? वही तो, बिना सोचे कुछ भी बोल रहा है तू। अरे भाई ये स्पीकर मैं तुझे पर्सनली गिफ्ट नहीं दे रहा हूँ, ये तो मैं मेरी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी में होने वाले गणेश उत्सव में मेरे प्यारे गणपति बाप्पा के चरण में अर्पण कर रहा हूँ। हाँ अगर वो मना करेंगे तो मैं स्पीकर वापस ले लूंगा, लेकिन तुझे इस मामले में ना बोलने का कोई अधिकार है ही नहीं। जेठालाल। अरे भ्यू नकोस भाव, मैं सोसाइटी में किसी को नहीं बताऊंगा कि मैंने गोकुलधाम सोसाइटी में 15,000 का स्पीकर गिफ्ट दिया है। चल चल भाई, अभी फोन रहा क्या, घर की बहुत है भाई। हाँ चल चल। क्या कहा पापा ने, हम स्पीकर ले जाएं? नहीं नहीं, ये स्पीकर सोसाइटी को गिफ्ट किया है। क्या 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 क्या? ये स्पीकर सोसाइटी को गिफ्ट किया है जेठालाल ने, तो इसे अभी फिलहाल सोसाइटी ऑफिस पे रखते हैं, जब मंडप बंधेगा तब मंडप पे रख देंगे। कल्ला कल्ला कल्ला। चले चले अब्दुल भाई, स्पीकर रख देते हैं। नीचे से पकड़ो। ठीक है ठीक है। ओ टप्पू, ये मंडप वाला अभी तक नहीं आया, कब आएगा? बाबा बस आते ही होंगे, एक मिनट में फोन करता हूँ। अरे आ गए। यादव जी सामान उतारना शुरू कर दीजिए। जरूर भाइयों, सामान उतार दीजिए। चलो जल्दी जल्दी फटाफट। सामान आ गया ना? अच्छा कहाँ है? चलो 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 चलो, सारा सामान है ना अपने पास, आराम से आराम से। मंडप का सारा सामान उतर गया है, अब मंडप बांधना शुरू कर दो। अब्दुल भाई आप जरा भी टेंशन मत लो, टाइम पर सब रेडी हो जाएगा। वो कह ना अंकल, हमें मंडप के अंदर की भी तैयारी करनी है, तो आप बस थोड़ा सा जल्दी करना। मेरे अंकल आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप घर जाइए और आराम कीजिए। मैं आराम करता हूँ। ठीक है, ये कहा
फ्रेंड्स, मंडप ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। हाँ, अब फाइनली हमारी सीक्रेट डेकोरेशन का काम शुरू होगा। हाँ, सीक्रेट ही रहना चाहिए। कल सुबह तक किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तब्बू सेना और अब्दुल भाई ने की डेकोरेशन की है। चलो चलो चलते। हाँ। टप्पू सेना का सीक्रेट डेकोरेशन शुरू हो गया है। हाँ। वैसे टप्पू सेना का डेकोरेशन हमेशा बेस्ट ही होता है। हाँ। हाँ। चलो अभी हम अपना डिसाइड कर लेते हैं। हाँ, ओके। तो कल गणपति बापा के लिए आरती की थाली मैं सजाऊंगी और प्रसाद भी बनाऊंगी। ओके। डाइट वाला प्रसाद? अरे आपको कैसे पता चला? माधवी भाभी का गारंटी नहीं तुम जी। अरे पापा ला सुधा डाइट प्रसाद पापा। तो परसों प्रसाद मैं बनाऊंगी, फिर माधवी भाभी और फिर कोमल भाभी। ओके। हाँ हाँ डन। हाँ, मैं तो मस्त अलग अलग तरीके के मोदक बनाऊंगी। मावा मोदक, ड्राई फ्रूट मोदक और स्पेशल उकड़ी से मोदक। स्टीम मोदक मेरे फेवरेट है ना। वाह क्या बात है। और मैं गणेश जी की स्तुति भजन करने वाली। सच, हर बार की तरह इस बार भी गणेश उत्सव में बहुत मजा आने वाला है। हाँ हाँ, पप्पा को देखते ही ना जैसे सारा गोकुल धाम भक्तिमय हो जाता है। दिख रहा है। मैं तो बस कल का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। बस सुबह हो जाए और गणपति पापा हमारी सोसाइटी में आ जाए। अरे हम सभी को भी। पापा का रूप है ही ऐसा एकदम मनमोहक सुंदर। आपको पता है हम तीनों ना हमेशा आसपास की सोसाइटी में जाते हैं पापा के दर्शन करने के लिए। कितना सुंदर डेकोरेशन, कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां रहती है पापा की। नहीं हमारे सोसाइटी का डेकोरेशन भी बेस्ट होगा। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। वाह वाह जी वाह, गोकुलधाम सोसाइटी गणेश उत्सव 2023 का मंडप हमेशा की तरह रेडी। हमेशा की तरह? पर हर साल 2023 थोड़ी आता है छोटे। छेटा प्रा, और मेरे कहने का मतलब सी कि गोकुलधाम सोसाइटी गणेश उत्सव 2023 का मंडप तैयार है जी। मैं हर साल की तरह गणेश उत्सव में गणपति बाप्पा के आते ही गोकुलधाम में रौनक आ जाती। करेक्ट करेक्ट। मैंने इस बार डेकोरेशन का थीम क्या है वो पता चला? आपके आत्माराम से पूछो, उसको पता होगा। आपका आत्माराम बोले तो क्या हुआ यार? आत्माराम, डेकोरेशन की इस बार की थीम क्या है? मुझे नहीं पता। ओ तुझे नहीं पता? अरे सोसाइटी का सेक्रेटरी होके तुझे नहीं पता तो फिर क्या फायदा सोसाइटी का सेक्रेटरी होके? तो तुम्हारा भी क्या फायदा बाप होके? क्या मतलब? तुम्हारा बेटा डेकोरेशन कर रहा है ना, और तुम्हें डेकोरेशन के बारे में पता नहीं है, तो तुम्हारा भी क्या फायदा बाप होके? चिट्टा प्रा, वो अभी आपकी बारी, अब आप बोलो। हाँ बोल रहा हूँ। क्या है पीड़े, हम दोनों एक दूसरे के प्रोफेशनल लाइफ में मगजमारी नहीं करते। प्रोफेशनल मतलब? मैं दुकान में क्या करता हूँ वो मुझे कभी पूछता नहीं है, और मैं भी उसे। एक मिनट, ये डेकोरेशन करना उसका प्रोफेशन है? नहीं, वो ये सब का पैसा नहीं लेता है, लेकिन काम तो एकदम प्रोफेशनल करता है ना दोस्तों। है छोटी, अभी भिड़े को बोल उसकी बारी। ओ पिडू, अब तेरी बारी, अब सुना दे कुछ तड़कता फड़कता मसालेदार। छोटी आप सब तो जानते हो ना कि टप्पू सेना डेकोरेशन की थीम को सीक्रेट रखती है, और गणपति बापा के आगमन पे पता चल जाता है तो कल पता चल जाएगा। वैसे ये डेकोरेशन की थीम जाने की उत्सुकता किसको थी? ये तेरा अय्यर भाई को। ओ जड़ालाल, आपका आदवाराम और तेरा अय्यर भाई, क्या है ये सब? अरे आप दोनों एक ही कमिटी के हो ना, इसलिए ऐसा बोला भाई। कमिटी में तो मैं भी हूँ जेठालाल। कमिटी में तुम हो, लेकिन ये दोनों के बीच कुछ अलग ही गठबंधन था है ना? नहीं, ये तो है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए सभी मेंबर एक समान है। अरे मेरे लिए सभी मेंबर एक समान है, तू क्या स्वतः गोकुलधाम का राजा समझतो क्या? नहीं ऐसा नहीं, मेरा मतलब है हम सब मेंबर एक समान है। हाँ
तो ऐसा जरा विनम्रता नहीं बोलना। ए मेरे लिए सब लाला तो कर लो। अरे अब्दुल, अरे आप लोग सब यहाँ पर? जड़ा भाई सॉरी, हाँ आज मैं आप लोग को सोडा नहीं पिला पाऊंगा। वो क्या है ना, टप्पू सेना के साथ डेकोरेशन में बिजी हूँ। अरे नहीं नहीं, सोडे के लिए नहीं बुलाया अब्दुल। तो ये अय्यर भाई को तेरा कुछ काम है। मारे को क्या काम है? अरे आपको जानना है ना इस बार वो डेकोरेशन का क्या थीम है, तो अब्दुल को पता होगा, उसको पूछ लो। वैसे टप्पू सेना ने मना किया है बताने के लिए, फिर भी मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। बराबर है ना, ये क्यों बताएगा, टप्पू सेना का मेंबर जो ठहरा। अब्दुल ने चीन भी नहीं बताई और सोडा भी नहीं पिलाई। चलो दोस्तों, आज बाहर सोडा पीकर आते। अरे नहीं भाई, बाहर नहीं भाई। अब्दुल के हाथों से बनी सोडा में जो मजा है ना, वो बाहर की सोडा में नहीं है। तो मस्त मसाला चाय पीकर आते। हाँ? चलो यारो, मैं अपनी गड्डी ले लेता हूँ। हाँ, और अय्यर भाई, आप बबीता जी को क्या? बबीता क्या? मतलब बबीता जी को पूछ के उनकी गाड़ी ले लीजिए। ठीक है, गणेश उत्सव में ये मंडप का वजह से कार के अंदर बाहर लाने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैंने अपने कार को ऑफिस के पार्किंग में ही पार्क कर दिया। अरे हाँ बरोबर। क्या अय्यर भाई, आपकी गाड़ी को आके इतने दिन हो गए, आप एक बार भी हम दोस्तों को गाड़ी में बिठा के कहीं घुमाने नहीं ले गए हैं? लेकिन गाड़ी तो बबीता का है ना जेठालाल? हाँ हाँ जरूर, पोपटलाल हम बबीता जी को बोलेंगे, वो जरूर उनकी गाड़ी में हमको घुमाने ले जाएंगे। दोस्तों बाहर चाय पीने जाना है या नहीं? बाहर चाय पीने जाने की जरूरत नहीं है, हम आप सबके लिए गर्मा गर्म मसाले वाले चाय लेकर आए हैं। अरे वाह, हम सबके लिए मसाला चाय। थैंक यू कोमल भाभी, थैंक यू अजी, थैंक यू सो मच। वेलकम तारक, पर आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। मसाला चाय आपके दोस्तों के लिए है और आपके लिए आपकी फेवरेट ग्रीन टी है। अरे ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं अंजलि भाभी, ये तो हार्ट ब्रेकिंग न्यूज है। अरे कोई हार्ट ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ही इज यूज्ड टू इट। वो बोली उनको आदत है। लीजिए। वाह वाह, चाय में से क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। अदरक इलायची गरम मसाले वाली चाय। गरम मसाला? अंजलि भाभी आपने चाय में गरम मसाला डाला है? नहीं तो। वे पिड़ो, मेरे कहने का मतलब सी अदरक इलायची गरम मसाले वाली चाय। अरे बस करो ना यार, कितनी तारीफ करोगे चाय की, अरे पीना तो चुपचाप पियो ना। तारक आप ऐसे क्या बात कर रहे हैं? हाँ तो कैसे बात करूं, सबके लिए मस्त दूध वाली चाय और मिले ये दवाई। ग्रीन टी को दवाई बुला रहे हैं? काय करिया के हुआ? नहीं नहीं, मकान उस तक भगत बसिया। अरे थाम ना बाबा। सॉरी। क्या कर रहे हो पोपड़, क्या हुआ? तो छाते का बटन बिगड़ गया क्या? हाँ वो ठीक करना पड़ेगा। सबके लिए मसाला चाय और मिले ग्रीन टी, छे ये तो भला उस पोपट लाल का जिसने मेरी ग्रीन टी गिरा दी। यही तो होते हैं यार दोस्त भाई, एक दोस्त ही दूसरे दोस्त का दुख दर्द समझ सकता है। पोपट लाल ने मेरा दुख समझा और मुझे ग्रीन टी से छुटकारा मिल गया। दर्शकों
सबका दुख दर्द समझने वाले गणपति बापा के आगमन की तैयारी गोकुल धाम में शुरू हो चुकी है और इस बार हम गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। सवाल तो बहुत सारे, इस बार का डेकोरेशन क्या होगा, उसकी थीम क्या होगी, गणेश उत्सव में क्या क्या होगा, मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ कि इस बार का गणेश उत्सव विशेष होगा, रोचक होगा। आप सबको इस बार के गणेशोत्सव में हम गोकुलधाम सोसाइटी वालों की तरफ से आने का निमंत्रण है। हम कल बड़ी धूमधाम से गणपति बापा का स्वागत करेंगे, तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और हाँ, साथ में मिलकर बोले गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बापा मोरया।